क्रिकेट के खेल में हमेशा से ही एक टीम ऐसी रही है कि अपने नाम से भले ही छोटी हो लेकिन अपने काम बड़े बड़े करती है। और इस बार हम जिस टीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टीम का नाम है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम ने अपने पिछले 5-6 सालों के प्रदर्शन से सभी टीमों को चौंकाया है और अब एक बार फिर से अफगानिस्तान की टीम ने सभी को चौंकाते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको याद दिला दें कि साउथ अफ्रीका की टीम वही टीम है जिसने हाल ही में 4-5 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी है। आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकती है वही टीम अगर अभी अफगानिस्तान के हाथों हारती है तो इसमें अफगानिस्तान की टीम की मेहनत साफ नजर आती है। और अब तक अगर अफगानिस्तान की टीम के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 4-5 सालों में सभी टीमों को अपने लपेटे में ले लिया है और अब तक अफगानिस्तान की टीम से सिर्फ इंडिया की टीम ही बच पाई है। अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 4-5 सालों में बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई है लेकिन अपनी किस्मत के चलते इंडिया की टीम अब तक अफगानिस्तान की टीम से बची हुई है। तो आखिरकार अफगानिस्तान की टीम के इतने बेहतरीन पर्सन के पीछे किसको श्रेय जाता है उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बताएं कि अफगानिस्तान की टीम के लिए अफगानिस्तान का कप्तान, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच या फिर फील्डिंग कोच या फिर अफगानिस्तान की टीम मैनेजमेंट की मेहनत है जो कि अफगानिस्तान की टीम ऐसा पर्सन दिखा रही है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें और चलिए अभी वीडियो को शुरू करें। तो उससे पहले आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले अगर बात करें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बारे में तो अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2024 में ODI सीरीज में हरा दिया है। यह ODI सीरीज 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में शारजा के मैदान में खेली गई और यह सीरीज अफगानिस्तान की टीम ने 2-1 से अपने नाम की है। इसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैचों के बारे में तो अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुकी है। बात है 2024 के T20 वर्ल्ड कप की जहां पर ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने 127 रन पे ही ऑल आउट कर दिया और इस हार की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 2024 के T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई। इसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तो अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को भी नहीं बख्शा। अफगानिस्तान की इसी टीम ने न्यूजीलैंड को 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मात्र 75 रन पर ऑल आउट करके न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आगे अगर बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैचों को लेकर तो अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को बहुत ही बार हरा चुकी है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप 2023 में भी इंडिया में हराया था। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में अब तक कुल 7 T20 मैच हुए हैं जिनमें से 4 में पाकिस्तान की टीम जीती है लेकिन अफगानिस्तान की टीम भी इन 3 मुकाबलों को जीत पाई है। इसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बारे में तो अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जैसी टीमों को भी नहीं बख्शा है। इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने 2023 के ODI वर्ल्ड कप में 215 रन पे ऑल आउट करके और उस मैच को अफगानिस्तान ने 69 रन से अपने नाम किया था। तो इस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को भी नहीं बख्शा है। तो ये अफगानिस्तान की टीम केनिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमों को बख्शने का कोई सवाल भी नहीं उठता है। अफगानिस्तान की टीम ने अब तक केनिया के सामने भी 4 मुकाबले जीते हैं। इसके साथ साथ हांगकांग के साथ भी अफगानिस्तान की टीम 1 मुकाबला जीत सकी है। और अगर बात करें आयरलैंड के बारे में तो आयरलैंड के ऊपर अफगानिस्तान बहुत ही हावी हो रखी है। आयरलैंड के साथ में खेले गए 32 मुकाबलों में से अफगानिस्तान की टीम ने 18 मुकाबले जीते हैं और साथ ही नीदरलैंड के ऊपर भी अफगानिस्तान की टीम हावी हो रखी है। अफगानिस्तान और नीदरलैंड के बीच में खेले गए 10 मुकाबलों में से 8 मैचों में अफगानिस्तान की टीम ही जीत पाई है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को भी नहीं बख्शा है। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच में अब तक कुल 9 ODI मैच हुए हैं जिनमें से वेस्ट इंडीज टीम 5 ODI मैच जीती तो उसी के साथ अफगानिस्तान की टीम ने भी 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है। तो इस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने पिछले कुछ सालों में सभी टीमों को लगभग हरा दिया है लेकिन अब भी अफगानिस्तान के हाथों अगर बच पाई है तो वह है टीम इंडिया। लेकिन आपको याद दिला दें कि टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी एक मैच टाई हो चुका है। अगर आपको वह मैच याद है तो उस मैच
मैच के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वह मैच कब खेला गया था और वह मैच वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप का था। उस मैच में अंतिम बॉल में एक रन की आवश्यकता थी और जडेजा लास्ट गेंद पर कैच आउट हो गए, जिसके चलते इंडिया की टीम वह मैच टाई करा सकी। लेकिन टीम इंडिया के लिए अब तक यह खुशखबरी है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान के हाथों हार से बची हुई है और इंडिया के अलावा अफगानिस्तान की टीम ने सभी इंटरनेशनल टीमों को धूल चटा दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें।